बात करें आज कितना पशुधन हमारे डेयरी फार्म पे है जो बिक्री के लिए है, सिर्फ वो बिक्री के लिए तीन भैंसे हैं जी। तीन भैंसे, हाँ जी। तो कौन कौन से ब्यात की हैं तीनों? दो दुजन और एक तीजन है जी। दो तीसरे दूसरे ब्यात की है, एक थर्ड लैक्टेशन, एक थर्ड लैक्टेशन। ठीक है, तो बात करें आपके पशुपालन की, कितने समय से जो ये काम है, कितने सालों से लगभग करते आ रहे हो? ये तो पापा शुरुआत से करते आ रहे हैं जी। अच्छा, अपने घर पे लगभग 4 से 5 भैंस कंटिन्यू होती है। कंटिन्यू, हाँ। और दो भैंस तो ताजा बिल्कुल बिक्री के लिए अवेलेबल होती है, अवेलेबल हमेशा जी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो एक बार फिर से अच्छी और उन्नत क्वालिटी का पशुधन, बिगेस्ट अडर क्वालिटी में जो बफलो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ताज़ा ब्याई हुई बिल्कुल तैयार दूध की तीन भैंसे हैं आप सब पशुपालकों को दिखाएंगे। आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम से काफ़ी लंबा सफ़र तय करके जो पशुधन है डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में दिखा रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का जो गांव है माजरा कला, एक ऐसे पशुपालक के घर, युवा पशुपालक हम कहेंगे, पहुंचे हैं जिनका खरीद बेच का काम आज से नहीं काफ़ी सालों से लगातार चल रहा है। न सिर्फ हमारे जो हरियाणा प्रदेश के हर जगह के जो बायर्स हैं वो आते हैं, बल्कि दूर दराज के क्षेत्र से भी जो पशुपालक भाई हैं वो इस डेयरी फार्म पर आते रहे हैं। तो आज इनके यहाँ से पहली बार कोई वीडियो है वो कवर हो रही है, आज तक सोशल मीडिया पे कभी कोई वीडियो कवर नहीं हुई। तो बिल्कुल यंग एज में जो इनके ओनर हैं देवेंद्र भाई, आप यहाँ पे देखिएगा, और पहली बार इनके फार्म से जो वीडियो है लेकर के आए हैं। दूध का भी कारोबार है, साथ में खरीद बेच का भी काम, तो सीधा लेकर के चलेंगे। तीन भैंसे हैं सेल के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जो रेट है वो भी बिल्कुल रिजनेबल रहेगा। साथ में रेफरेंस के लिए जो एक मिल्किंग वीडियो है, 1 से 2 पशुधन की जरूर आप सब पशुपालकों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले देवेंद्र भाई नमस्कार है, सभी को नमस्कार, सभी चैनल देखने वाले को मेरी तरफ से नमस्कार जी। जी, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया जी। क्या कुछ उम्र है सर आपकी? 30 साल जी। 30 साल की एज है। हाँ। वैसे एजुकेशन की बात करें तो कहाँ तक पढ़े लिखे? MA BEd कर रखी है। MA BEd, और अभी आप बता रहे थे कि एक शिक्षक भी रहे हो, एक टीचर अभी भी हो या? हूँ जी, प्रजन्ट अभी हो। हाँ जी। तो स्कूल में पढ़ाते भी हो, साथ में पशुपालन का कामकाज भी है। तो बात करें आपके पशुपालन की, कितने समय से जो ये काम है, कितने सालों से लगभग करते आ रहे हो? ये तो पापा शुरुआत से करते आ रहे हैं जी। अच्छा, अपने घर पे लगभग 4 से 5 भैंस कंटिन्यू होती है। कंटिन्यू, हाँ। और दो भैंस तो ताजा बिल्कुल बिक्री के लिए अवेलेबल होती है, अवेलेबल हमेशा जी। ठीक है, तो लगभग एक आइडिया, एक अंदाजा, 5 साल से 7 साल से इस तरह से हमारा खरीद बेच का काम रहा? 15-20 साल से जी। 15-20 साल से लगातार काम कर रहे हो, तो दुनिया बहुत जगह काफी वीडियो कवर कराती है। आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि वीडियो कवर करानी चाहिए? वैसे नहीं जी, अपने क्या थी कि एक तो मेन मकसद था दूध बेचने का जी। हाँ हाँ। आ भाई सीताराम। और ठीक से बैठ भाई। के ठीक सा भाई? और बड़का खातिर देना देना सह के देना सा भाई? या जोटी थी खराब होगी भाई? ना थी आगे की होंगी और ना या शरीर बना दी, मना तो या काट डाला तो देनी पड़ेगी। अरे काट डाला किसी तीसी करी से, एक बात बताऊं तो ने, शक्ति मीन गोल्ड का पाउडर, हाँ, और ब्रीडअप की गोली, 15 दिन में वारे नारे हो जाएंगे। पशुधन स्वस्थ तो किसान समर्थ, इसलिए हेल्मिसाइड DS, शक्ति मीन गोल्ड पाउडर और ब्रीडअप की टेबलेट, शारीरिक विकास और हीट के लिए। और अगर वैसे सेल हो जाए तो बेच देते थे यहाँ पर अपने खुट्टे पे ही, ठीक है, वरना अपना दूध का काम होता है, पशु मिलेंगे दूध वाले अपने पास, दूध वाले। हाँ जी। तो भैंसों की बात करें, किस तरह की डीलिंग रहती है, लाइक ताज़ा ब्याई हुई या बाखड़ी वगैरह भी या कटड़ी वगैरह कभी व्यापार? ताज़ा ब्याई हुई, हाँ, या हम क्या करते हैं कि बाखड़ी ले आएंगे, उसको पाड़ेंगे, वो बेच देंगे। अच्छा। या जैसे कि हम सर्दी का टाइम था तो हमने 11 भैंस खरीद ली, 5 से 6 भैंस व्यक्ति की बेचते गए जी, इस प्रकार का काम कर लिया। तो इस तरह का अपना काम, ये मैंने क्या बन ली थी, अब यहाँ विभाग बेचूंगा और ये भी जी। बहुत बढ़िया। तो देवेंद्र भाई जी, वैसे दूध क्या भाव बिक जाता है अपना यहाँ पे? दूध या तो लेता है जी 60 रुपए। 60 रुपए लीटर। हाँ जी, ठीक है। और वैसे लोकल में वैसे 70 रुपए जी मार्केट के अंदर। लोकल में 70 रुपए लीटर। तो खेती बाड़ी भी है, जमींदारी भी करते हो, साथ में पशुपालन का काम भी है और जॉब भी करते हो, तो एक ज्वाइंट फैमिली है और साथ में सब मतलब हेल्प कराते हैं एक दूसरे की। बात करें आज कितना पशुधन हमारे डेयरी फार्म पे है जो बिक्री के लिए है, सिर्फ वो बिक्री के लिए? 3 भैंसे हैं जी। 3 भैंसे, हाँ जी। तो कौन कौन से ब्यात की हैं तीनों?
दो दुजन है, एक तीजन है जी। दो तीसरे दूसरे ब्याद की है, एक थर्ड लैक्टेशन, एक थर्ड लैक्टेशन। ठीक है, तो मिल्किंग आ रखे हैं एक समय की एक या दो पशुधन की दिखाई देंगे वो भी है ना। एक तो कल ब्याई है हाँ, तो उसकी तो जैसे कि क्या दिखाना है। ठीक है, जो तैयार दूध है दोनों उनकी दिखा देंगे, उनकी दिखा देंगे बिल्कुल। तो जिस बफलो के पास में आप खड़े हो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। पहले नंबर पे क्या कुछ जानकारी एक बार बता दीजिए। सेकंड टाइमर है जी, बहुत बढ़िया। नीचे मेल काफ है, नीचे मेल काफ। हाँ जी ठीक है, एक वीक की ब्याई हुई है ये जी, और 15 किलो दूध तैयार है जिसके नीचे। तो देखिएगा सेकंड लैक्टेशन में जो बफलो है, हाइट मीडियम जरूर कहूंगा, बाकी अडर की जो क्वालिटी है आप देख सकते हैं। नीचे हेल्दी मेल काफ जो कटड़ा है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। और पशुधन की बात करें तो चेहरे मोरे की बनावट से लेकर के नीचे अडर है, जबरदस्त जो अडर है वो, और कटड़ा है नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक हफ्ते की ब्याई हुई बता रहे हैं। तो देंदर भाई ओरिजिनल है ये, एक हफ्ते की, सातवां दिन है जी बिल्कुल। ठीक है हाँ जी। और दूध अगर कोई देखना चाहे तो कितने समय का दूध इसका दिखा दो? पांच टाइम, जब तक अगले की भराई नहीं होते इतना देखता रहे जी। ठीक है, तो पशुधन पे फोकस है जी पूरा, चेहरा मोरा आप देख लीजिएगा। और नीचे से जो अडर की क्वालिटी, मोटी मोटी जो वेंस, जो नसें हैं अडर में, साफ साफ एक दुधारू पशुधन को प्रमाणित करती हुई पीठ की चौड़ाई आप देख सकते हैं। हाइट जरूर यहाँ पे मीडियम है, और एक जो मुर्रा के जो लगभग जो कैरेक्टर्स हैं, एक कॉम्पैक्ट साइज का जो पशुधन है, सेकंड टाइमर झोटी हम इसमें कह सकते हैं। और बात करें माइनस पॉइंट, तो अडर में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, कई बार हो जाता है दुधारू पशुधन बैठने के कारण हो जाती हैं वो चीज़ें, या फिर क्या पता ये चीज़ें शुरू से भी रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो मेरा ये मानना है, बाकी जब सबके आप अपने रिव्यूज़ हैं, आप अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, झोटी है काफी अच्छी, 15 किलो दूधास मौके पे तैयार है। मैले वगैरह से भी लगेगी अभी? हाँ बिल्कुल लगेगी। लगेगी या लग चुकी नहीं है? सात दिन की ब्याई, सात दिन की ब्याई हाँ लगेगी। किलो हाँ, दो किलो दूध की गुंजाइश हाँ, और भी 17-18 मान के चलो जी, 17-18 किलो दूध ये दे देगी बिल्कुल। धार चुवाई की कैसी है फिर? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी है। खाने पीने की बात करें बहुत अच्छी है सर, खाने पीने खा पी रही तभी दूध दे रही है इतना ये। ठीक है ठीक है। तो देंदर भाई वैसे क्या कुछ दे रहे हो डाइट में, कभी फीड सप्लीमेंट्स वगैरह का भी सारा लेते हो कैसे क्या? हम दो चीज देते हैं जी ओनली, एक तो ये गेहूं का दलिया जी, ऊपर से ये बिनोले की खड़। ठीक है, और कुछ नहीं देते जी? और कुछ नहीं देते हाँ जी, बिनोला वगैरह नहीं देते हम। ठीक है, तो इसका मोल भाव एक बार दूध दिखा देते हैं, उसके बाद हम कर लेंगे। दूसरे नंबर का जो पशुधन आप ठीक आपके पीछे खड़ा हुआ, इसकी क्या कुछ जानकारी एक बार बताइए? थर्ड टाइमर ब्याई है जी, तीसरे ब्याह। ठीक है, कल ही ब्याई है सुबह, कल ही बच्चे को जन्म दिया हाँ जी, सुबह बिल्कुल खाली कर दिए। ठीक है हाँ जी। तो देखिएगा थर्ड लैक्टेशन में पशुधन है, कल ही जो काविंग है इसने करी है, फुल हाइट वेट की, और हाइट बॉडी वेट आप देख सकते हैं, पीठ की जो चौड़ाई है वो आप देखिएगा। बच्चा नीचे क्या है इसमें? फीमेल है जी, फीमेल काफ जो कटड़ी है वो आपसे भाइयों को देखने को मिलेगी, कटड़ी आप देखो जी। थर्ड लैक्टेशन में जो बफलो है, हाल फिलहाल में रिसेंटली इसको खीस से खाली कर दिया गया है। तो देंदर भाई जी क्या कुछ उम्मीद पिछले अगर ब्याद की बात करूं तो दूध वगैरह की रिपोर्ट क्या? सेकंड में 15 किलो जी, 15 किलो दूध हाँ जी। ठीक है, आपकी बार क्या मान रहे हो इसको? ये 16-17 किलो जी, 16-17 किलो दूध हाँ दे देगी हाँ जी। ठीक है, और शरीर को देख के देना भी चाहिए जी। जी जी जी, तो आज ही इसको हिस्से खाली बिल्कुल खाली कर दीजिए। तो पशुधन आप देख सकते हैं जी, चेहरे मोरे की बनावट, हाइट लंबाई है काफी अच्छी खासी, अच्छी मोटी धार है जी। अडर में जो जोश है वो आपको इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसको आज सुबह ही खीस से खाली किया गया है और रिसेंटली इसने काविंग करी है। नीचे जो फीमेल काफ जो कटड़ी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो लंबाई ऊंचाई काफ़ी बेजोड़ और पीठ बॉडी वेट की काफ़ी अच्छी जो थर्ड टाइमर बफलो है वो, 15 किलो दूध की रिपोर्ट सेकेंड लैक्टेशन में इसकी रही है। बात करें सर कीमत मोल भाव, क्या कुछ मोल भाव करोगे इसका? इसका सर 1,35 है, 1,35,000 रुपये। मान सम्मान की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल मान सम्मान करेंगे जी। ठीक है, तो अगर कोई भाई लेकर के जाएगा, थनों की ओट वगैरह या इस तरह की चीजें आप तीन टाइम चार टाइम कैसे देखे, जब तो ब्याई हुई है हाँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ठीक है, तो 1,35,000 रुपये जो कीमत जो कॉस्ट है वो इस बफलो की, इस पशुधन की इन्होंने रखी है। अब चलते हैं एक और जबरदस्त अडर क्वालिटी का पशुधन आप ही के फार्म से, इसकी क्या कुछ जानकारी है? फुल हाइट की है सर, सेकंड टाइमर है ये। ठीक है, 20 दिन की ब्याई हुई होगी जी ये, 20 दिन की ब्याई हुई है। फीमेल काफ है नीचे, नीचे कटड़ी है। तो ये देखिएगा नीचे जो फीमेल काफ आराम से मदमस्त मूड में आराम फरमा रही है यहाँ पे, और सेकंड टाइमर एक और जबरदस्त जो झोटी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अडर की क्वालिटी है काफी जबरदस्त, पैरों के बीच का जो अडर है शानदार लेवा इसमें देखने को मिलेगा, और चेहरे मोरे की जो बनावट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितना दूध है आज मौके पे? 13-14 किलो बिल्कुल तैयार है, 13-14 किलो दूध मौके पे तैयार है जी। ठीक है, तो इसकी धार चुवाई कैसी है? अच्छी है जी,
इसकी भी अच्छी है। फोरवर्डर में टिट स्पेसिंग आप देख लीजिएगा, साइड से जो टिट स्पेसिंग है वो पैरों के बीच का पक्का आर्डर पक्का जो लेवा है वो इसमें देखने को मिलेगा। नीचे जो कटड़ी है वो, और सींग थोड़ा सा खुलेपन में है लेकिन कन्नीदार जो सींग है वो इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो आज मौके पे कितना दूध बता रहे हो इसमें? 13.5-14 किलो। 13.5-14 किलो दूध है, तैयार है जी। तो सुबह दूध किस टाइम निकालते हो वैसे? 5 बजे जी। 5 बजे दूध निकालते हो? अभी करीब करीब 5:30 के करीबन टाइम हो रखा है, 5:30-6, आधा पौना घंटा ऊपर नीचे। बिल्कुल, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए एक समय की जो मिल्किंग वीडियो है वो दोनों पशुधन की आपको दिखा रहे हैं। पहली बार जो वीडियो है इनके डेयरी फार्म से हम लोग कवर कर रहे हैं, और दूध का समय हो रखा था, सोचा क्यों ना जो मिल्किंग वीडियो है वो आप सब पशुपालकों को दिखा करके निकल जाएं। तो कोई भी पशुपालक भाई इस मिल्किंग को फाइनल ना माने, खुद आए पशुधन को देख करके जांच परख करके ले जाएं, उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा काम है प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ पशुधन दिखाने का। तो वो जो कोशिश है वो ताउम्र ऐसे ही बरकरार रहेगी, ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे, और अच्छे अच्छे जो मुर्रा के नायाब नगीने, अच्छे अच्छे जो पशुधन है वो आप सब पशुपालकों को निकाल निकाल करके दिखाते रहेंगे। तो एक साधारण परिवेश से, आधुनिकता की चकाचौंध से दूर भाई का खेतों में जो डेयरी फार्म कह लीजिए या फिर घर कह लीजिए वो है। तो दोनों की दोनों सेकंड टाइमर जो झुटियां हैं वो आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा जो ऑर्डर है उसमें एक के नीचे मेल काफ जो कटड़ा है वो देखने को मिलेगा, दूसरे के नीचे फीमेल काफ जो कटड़ी है वो देखने को मिलेगी। तो जो दूध है वो अभी आप सब भाइयों के सामने आ ही जाएगा। थोड़ा सा मैं कहूँगा बीच में गैप ज़्यादा है दोनों पशुधन के, तो अगर एक फ्रेम में ना भी आने पाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी दोनों की दोनों भैंसें काफ़ी अच्छी हैं। खाली बाल्टी एक बार दिखा देना जी, ऐसे नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है, निकालो। तो ये देखो जी, एक का जो पोसा वगैरह है वो, और दो जने नीचे बैठे हुए ऑलरेडी, जो दूध है वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आप देखिएगा। तो जो दूसरे वाली जो बफलो है इसका भी दूध इन्होंने शुरू कर दिया है, और इसकी भी दिखानी थी वैसे खाली बाल्टी, लेकिन फर्स्ट टाइम इनका एक्सपीरियंस अनुभव है, कोई बात नहीं चल जाता है। और ये रह गई थी, मैंने देखा नहीं, कोई बात नहीं। तो देखिएगा, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एक रेफरेंस के लिए जो मिल्किंग है धारचुआई पोसा वगैरह वो आपको दिखा रहे हैं, दूध एक समय का आप सब पशुपालकों को दिखा रहे हैं, खुद आएँ अपने हाथों से जांच परख करके पशुधन को देख के ले जाएं, इससे बेटर कोई ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं हो सकता। तो धारचुआई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सॉफ्ट चुआई की जो बफलो है, जो पशुधन है वो, और बिल्कुल ठंडे स्वभाव में, मदमस्त मूड में यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो देंद्र भाई, कांटे का तोल रहता है लीटर में रहता है, दूध लीटर में रहता है? ठीक है। तो कह रहे हैं दूध है लीटर में देते हैं माप तोल करके, तो कोई ऐसा ना सोचे कि कांटे का तोल का दूध है। बाकी जो प्राइस है दोनों के बसते हैं, और दोनों की जो प्राइसेस हैं वो भी डेफिनेटली कंफर्म किए जाएंगे। चंद ही मिनटें बची हैं, एक बार दूध है वो निकल जाता है यहाँ पे। ये देखो जी, सॉफ्ट चुआई का पशुधन, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मिल्किंग हो रही है मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगे दूध निकलने में। और ये आप देखो, ज़बरदस्त जो सटीक धारे हैं, धारों का कटना छटना छर्रा पपैया कोई दोष नहीं है इस तरह का। मोटी मोटी वेंस हैं वो पेट में यहाँ पे साफ दिखाई दे रही हैं पशुधन के। और एक और जो बफलो है ज़बरदस्त अडर क्वालिटी में, उनका दूध यहाँ पर निकलता हुआ, तो दोनों में गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसीलिए एक फ्रेम में जो पशुधन है दोनों को कैप्चर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। बावजूद उसके एक कोशिश, एक ट्राई, एक प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। तो आज की स्पेशल वीडियो है डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के गांव माजरा कला से। तो डेयरी फार्म का कोई नाम वगैरह भी है अपना? कोई नाम नहीं है, ऐसे ही चल रहा है बिना नाम के हैं। बिना नाम के ही भाई ने अच्छी खासी पहचान बना रखी है मार्केट में, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10 से 15 साल लगातार व्यापार का काम करते हो गए, और बावजूद उसके आपके फादर साहब को किस नाम से जानते हैं वैसे गांव? नाहड़ लालचंद पंच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लालचंद पंच के नाम से जानते हैं माजरा कला गांव में।
या फिर जो आसपास के व्यापार वर्ग के आते होंगे वो भी अच्छे से जानते होंगे इनको, हैं? ठीक है। तो देवेंद्र भाई, आपने कभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वगैरह तैयारी कभी करी या मतलब? अच्छा, तो किस लेवल के कंपटीशन की तैयारी करी फिर? अच्छा ठीक है, तो हुआ नहीं मतलब, फिर टीचिंग में ही आ गए। तो वैसे एक बात कहें, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा टीचिंग लाइन में ही कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, है ना? प्रोफेसर लगा लीजिए या फिर और जो पोस्ट हैं लगभग शिक्षा विभाग की, आपके यहीं से ज़्यादा हैं। तो देखो जी, धार जुआई की काफ़ी अच्छी भैंसे हैं, और न सिर्फ जो इनके घर की महिलाएं हैं वो, बल्कि पूरा परिवार मैं कहूँगा अच्छा खासा काम को संभाल रहा है आज के दिन, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात। और सारे एकजुट होकर के जब काम कर रहे हैं तभी जो ये गुजर बसर का काम है, पशुपालन का काम है, अच्छे खासा चल रहा है। अदरवाइज़ मैं कहूँगा अकेला आदमी तो वैसे ही इतने पशुधन में परेशान हो जाए। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, जैसा कि भाई ने बताया कि प्रेग्नेंट पशु लेकर के आते हैं, फिर उनको जब नियर टू काविंग, नियर टू डिलीवरी हो या फिर जब तैयार दूध हो जाए तब फाइनली उसको सेल करते हैं, तो दो कहीं ना कहीं वो पशुधन सेट भी आराम से हो जाता है, दो पैसे का मुनाफा भी मेरे हिसाब से उसमें ठीक मिलना चाहिए। और तब तक 5 से 6 महीने या 2-4-5 महीने जितने दिन भी वो पशुधन आपके पास रुका, एटलीस्ट एक परख भी हो जाती है कि पशुधन कैसा है, कैसे कैसे कैरेक्टर्स हैं, कहाँ तक ये दूध पे जाएगा, या किस किस तरह का जो दूध है क्या पसंद है क्या नापसंद है, काफ़ी सारी चीज़ें। और दूध की बाल्टी आप देख लीजिएगा लगभग लगभग यहाँ पे फुल होकर के आई है जी। एक जो भैंस, एक जो पशुधन है, सेकेंड टाइमर झोटी, उसका दूध यहाँ पर निकल चुका है। अंकल जी यहीं रख दो, यहीं रख दो नीचे, ठीक है। तो लीटर वगैरह है अपने पास या एक लगभग अंदाजा? बस इतना अंदाजा 15 किलो दूध आप बता रहे हो? 15 किलो दूध है ये? बिल्कुल बिल्कुल। तो लीटर भी है? लीटर भी है, बहुत लीटर, ठीक है, कोई बात नहीं, लगभग एक अंदाजा सही है। इतना दूध तो मेरे हिसाब से 7.5-8 किलो दूध होना चाहिए बाल्टी में, है ना? तो दूसरे वाली जो बफलो है, एक बार उसका और निकल करके आ जाता है जी। ये देखो धार चुआई, उसकी भी अच्छी खासी, और झड़ाव है अडर का, मैं कहूँगा दोनों में काफ़ी अच्छा जो झड़ाव है वो देखने को मिला यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। तो इसमें आप कितना, 13-13.5 किलो दूध बता रहे थे, 13-14 के बीच में बताया था, और आराम से जो इतना दूध है वो इसमें भी होगा। तो काफ़ी अच्छी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो दोनों झोटियों की, सेकंड टाइमर झोटियां हैं दोनों। तो देवेंद्र भाई जी, दूध आपने दिखा दिया, आप चलते हैं कीमत मूल भाव पे। जो झोटी मेरे सामने खड़ी है इसका क्या कुछ मूल भाव करोगे? इसका जी 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये, मान सम्मान की कोई गुंजाइश है इसमें? बिल्कुल मान सम्मान करेंगे जी, ठीक है। और जो दूसरे वाली जो झोटी है इसका? उसका जी 1,20,000 रुपये जी। 1,20,000 रुपये, हाँ जी। तो कोई कितने समय का दूध आकर के देख के ले जाए? मर्जी है जी, अगले की मर्जी है, हाँ जी, ठीक है। तो बात करें आपके संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर क्या कुछ है एक बार बता दीजिएगा? 9050 जी, 12 12 1940 1940, हाँ जी। और गांव है आपका माजरा कला, तो एक ही नंबर है आपके पास? नहीं, दो नंबर है जी, एक नंबर और है, ऑल्टरनेट नंबर वो और बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। 98130 जी, 90908, हाँ जी, ठीक है। तो चलिए जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और दोनों पशुधन हैं काफ़ी अच्छे, दोनों की जो मिल्किंग है वो आप सब भाइयों को दिखाई, मेरा जो प्रयास, मेरा जो काम है धार चुआई और जो दूध है वो एक समय का आप लोगों को दिखा सकते हैं। और एक ही गुजारिश, एक ही आग्रह, इस वीडियो को फाइनल ना माने, खुद अपने हाथों से आए, पशुधन को खुद जाँच करके, परख करके, अपने हाथों से चुआई करके ले जाएँ। आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के गांव माजरा कला से थी, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।